मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी सागर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट घेराव के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वह केंद्रीय जेल सागर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस नेता राजकुमार धनौरा से मुलाकात की। उनके साथ में सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा भी मुलाकात करने जेल के अंदर गए थे। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। लेकिन जेल परिसर में दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए थे। वहीं जेल के बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राजकुमार धनोरा की लड़ाई अब मेरी और कांग्रेस की लड़ाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद पंचायत में गबन करने का संगीन आरोप लगा और राहतगढ़ थाने में मामला दर्ज भी किया गया था। इसके बाद वह जेल गए थे। करीब एक साल से वह सागर केंद्रीय जेल के अंदर बंद है। जीतू पटवारी से पहले दिग्विजय सिंह भी जब सागर आए थे तो उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। दरअसल सोमवार को सागर में दलितों पर अत्याचार, पुराना बस स्टैंड वापस लाने और स्मार्ट सिटी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। यह प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में किया गया। इसको लेकर सिविल लाइन में सभा हुई और फिर कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए निकले थे, जहां पुलिस से झड़प हुई। फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। सरकार और प्रशासन दुरुपयोग करके उनको यातनाएं देती है और उनसे जेल आ रहा है। और अभी सरकार बदला पूछे कांग्रेस के वर्करों को डराना धमकाना बीजेपी ज्वाइन कराना, ये तो जेल भेजते हैं, जो नहीं माने बाद उसको जेल भेजते। ये बीजेपी ने एक इस तरह का अलोकतांत्रिक काम चालू कर दिया है कि जिसकी निंदा नहीं हो सकती है। इसको तो जनता को समझना पड़ेगा और खासकर सागर की जनता का भाई के में। बदलापुर सरकार के दो कप्तान हैं ये, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और आदरणीय गोविंद सिंह जी, ये लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं दे रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है आज प्रदर्शन का, देखो आपकी मध्य प्रदेश NCR भी कहती है सबसे ज़्यादा दलित और आदिवासी STSC वर्ग पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, हत्याएँ भी सब होती हैं। बहनों के साथ रेप, उनके साथ दिल्ली पिटाई, दलितों के साथ दिल्ली पिटाई, ये सब बातें मध्य प्रदेश में आम हैं। सागर उसकी राजधानी है। तीन भाई बहनों की हत्या कर दी, बहन का बलात्कार कर दिया, माँ को निर्वस्त करके घुमा दिया, प्रशासन के पास जवाब नहीं। आखिर कैसी सरकार चल रही है? दलित विरोधी सरकार, दलित हत्यारी सरकार, इस हत्यारी सरकार से लड़ा। तंग कसाए भी कमलनाथ जी जितने अधिक पदाधिकारी बना गए थे, इससे आप नहीं बना पा रहे कार्यकाल में? नहीं, मैं तो अनुरोध ये कर रहा हूँ कि जो मुल्क आए जेल में सब नाम आप जानते हो, मैं उनकी लड़ाई का अंत। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।